है एवरीवन, वेलकम टू निमिषा स्मार्ट कुकिंग। मैं निमिषा, तो आज मैं वेंडक्या पचड़े की वीडियो लेके आई। ओणम स्पेशल रेसिपी है, तो इसे सब्जियां में साइड डिश की तरह सर्व करते हैं हम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेंडक्या यानी कि लेडीज़ फिंगर, भिंडी को कहते हैं वेंडक्या, तो उसका हम बना लेंगे। आप ज़रूर घर पर ट्राई करके देखना, आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा तो एकदम बढ़िया है और एकदम अच्छा टेस्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल ले लिया है, मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने भिंडी को इस तरह से अच्छे से वॉश करके मीडियम साइज़ में थिकनेस में मैंने कट कर लिया है। तो इसे हमें एकदम क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो तब तक इसकी ग्रेवी हम रेडी कर लेते हैं। तो मैंने हाफ कप मैंने कोकोनट ले लिया है, और उसके बाद में हमें 3 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, और उसके बाद में हमें 1/4 स्पून जितना राई ऐड कर लेते हैं, और आधा टीस्पून हम जीरा ऐड कर लेंगे, और इसके थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं हम, और एकदम से फाइन ग्रेवी रेडी कर लेंगे। एकदम स्मूथ ग्रेवी रेडी करना है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही पानी की ज़रूरत है हमें, अच्छे से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से मैंने पीस लिया है। तो हम चलते हैं भिंडी की तरफ। भिंडी हमारा अच्छे से पक चुका होगा, तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से होने वाला है, अभी तैयारी है, अच्छे तेल सारा सेपरेट हो चुका है। तब ये हिलाते रहेंगे, तब तक हम दही को ही फेंट लेते हैं। मिक्सी में अगर फेंटेंगे तो एकदम पतला हो जाएगा, और इसे साइड डिश की तरह यानी पे जहाँ पे आप केले के पत्ते में सर्व करोगे तो वहीं पे रहना चाहिए, फैलना है बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने दही को मिक्सी में नहीं किया, इस तरह से कोई चम्मच से या किसी से भी आप मिक्स के भी इसे मिक्स करके रख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो चुका है। तो मैंने इसे आटा लिया है, तेल से मैंने निकाल लिया है मैंने इसे। अब इस तेल को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, हमें इसके तेल की अभी ज़रूरत नहीं है। जब तड़का करेंगे तभी हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर से मैंने उस पैन में इसे डाल दिया है, और उसके बाद में जो हमने ग्रेवी रेडी करके रखी थी ना उसे भी हमें पूरा ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में डाल के उसे भी इस पानी को भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। मसाला कोई भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तो इसे भी हमें एकदम से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल पानी नहीं चाहिए हमें, नहीं तो एकदम पतला बन जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे रखिएगा और एक दो मिनट के लिए चला लीजिएगा, तो एकदम से हो जाएगा। और अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया, इसलिए मैंने स्वादानुसार नमक भी ऐड कर लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप घर पे ये ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट होने वाला है, अभी थोड़ा सा और ट्राई कर लेंगे हम। तो अच्छे से हो चुका है, अभी गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे या तो फिर ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि दही ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखोगे तो जल्दी फट जाएगा, इसीलिए हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, लो फ्लेम पे मैंने कर लिया, और फटाफट ही मिक्स कर लेंगे। अभी दही को हमें बॉयल नहीं करना है, सिर्फ गर्म ही करना है, हल्का सा गर्म हो जाए एक दो मिनट के लिए, उसके बाद में गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, घर पर झटपट बना सकते हैं, और सारी चीज़ें हमें घर पर ही मिल जाती है, इतना फटाफट बन जाता है ये। तो ये अभी हो चुका है गर्म, तो इसे निकाल लेंगे। अभी हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, अब इसके अंदर आधा टीस्पून में राई ऐड कर लेंगे, राई अच्छे से चटक जाए, उसके बाद में हम 2 सूखी लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। राई चटकती है तो पूरा गैस ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से मैंने ऊपर ढक्कन से बंद कर दिया था मैंने, तभी गैस का पैन बंद कर लिया है। सूखी लाल मिर्ची ऐड कर लेंगे और कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। तो हमारा तड़का रेडी हो चुका है, ये तड़के को हम इस पचड़ी के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, देख के खाने का मन करेगा, इतना टेस्टी है पचड़ी है। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।